लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के हाईवे पर सड़क सुरक्षा कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानूनी पाबंदियों के बावजूद हाईवे पर हर दिन सैकड़ों ओवरलोड डंपर और ट्रक खुलेआम दौड़ रहे हैं, जो इसका सबूत देते हैं। आज इस मनमानी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट संगठन के प्रतिनिधि अनिल पाटिल ने परिवहन मंत्री अनिल परब और मुंबई परिवहन आयुक्त को शिकायत देकर ओवरलोड ट्रकों पर रोक लगाने की मांग की। अनिल पाटिल ने कहा कि मुंबई से नवी मुंबई की ओर आने जाने वाले ओवरलोड डंपर्स और ट्रकों के कारण ही हाईवे पर अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आरटीओ अधिकारी हैं कि कार्रवाई की बजाय सब कुछ देख कर भी अनजान बन रहे हैं, जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के हाईवे पर कौन उड़ा रहा सड़क सुरक्षा कानूनों की धज्जियां? हाईवे पर खुलेआम दौड़ रहे हैं सैकड़ों ओवरलोड डंपर। आखिर सब कुछ देखकर क्यों खामोश हैं आरटीओ अधिकारी? आखिर इस धांधली का जिम्मेदार कौन है? जी हां, यह सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि नवी मुंबई के हाईवे पर आजकल ओवरलोड ट्रकों और डंपरों की बाढ़ आ गई है, लेकिन आरटीओ अधिकारी कार्रवाई की बजाय उन्हें मदद करने में जुटे हैं। फिलहाल खुलेआम चल रही इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज ट्रांसपोर्ट संगठन के प्रतिनिधि अनिल पाटिल ने मुंबई आरटीओ आयुक्त और परिवहन मंत्री को शिकायत देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुंबई से हर दिन नवी मुंबई में हजारों ओवरलोड डंपर आते जाते हैं, जिनसे अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो सड़क सुरक्षा कानूनों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसे तत्काल रोकने की जरूरत है। बताना जरूरी है कि सड़क सुरक्षा कानून के तहत हाईवे पर ओवरलोड वाहनों को चलाने पर पाबंदी है। इसे रोकने की जिम्मेदारी आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन दोनों की मौजूदगी में हर दिन हजारों ट्रक मुंबई नवी मुंबई के बीच आते जाते हैं। ऐसे में आरटीओ अधिकारियों की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। असल में बीते साल भी इस मनमानी के खिलाफ परिवहन मंत्री आयुक्त और सभी आरटीओ को शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। आज भी यह धांधली बदस्तूर जारी है। उम्मीद है नई शिकायत पर परिवहन और यातायात विभाग कार्रवाई की ईमानदारी जरूर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।